तो इस फैसले से पहले छत्रपति पत्रकार जो हैं उनकी बेटी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी मदर को भी कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टांग टांग तोड़ देंगे, क्या करेंगे, यू डोंट वरी। तो वो अपने मिशन में वो अब सक्सेसफुल हुए। अब उस आदमी वो आदमी इस आदमी वर्ड गलत यूज़ कर रही हूँ, वो इस हद तक बेनकाब हो चुका है कि अब ना उसके साथ पॉलिटिक्स से वाले लोग जल्दी से जुड़ना की हिम्मत करेंगे, और आम जनता का तो धीरे धीरे विश्वास उठ ही गया है। जो उसके इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, ईश्वर उनको भी सदबुद्धि दे। यूएन डेथ पेनल्टी फॉर राम रहीम, राइट, ही मस्ट बी हैंग्ड टिल डेथ। एनीथिंग एल्स यू वांट टू? यस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द जुडिशरी। इट टुक टाइम बट जस्टिस जरूर मिला। माई फैमिली इज हैप्पी नाउ। मैं मेरी मदर की आंखों में संतुष्टि देखती हूँ। उन्होंने बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल अपना पीरियड बिताया है, विडोहुड इतना लंबा, और दैट टू विद स्मॉल किड्स। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इस टाइम अपनी माँ के बाद अंशुल को देखती हूँ, जिसने शायद शायद अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए था, जो टाइम उसे अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा देना चाहिए था, वो टाइम उसने पूरी तरह से पापा को जस्टिस दिलवाने में समर्पित किया। रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज हीरो। डू वांट टू विटनेस टुमारोज़ वर्डिक्ट? या श्योर। एक्चुअली मैं तो आई वॉन्टेड टू विटनेस द वर्डिक्ट ऑल्सो, बट वी वर नॉट अलाउड टू गो। ओनली माई ब्रदर अलाउड, या ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वी वर नॉट अलाउड। एंड नाउ आई वॉन्ट टू लिसन द सेंटेंस, बट मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू सी दैट कल्प्रिट, दैट मर्डरर, दैट रेपिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि उसकी आंखों में वो पेन पेन और वो फियर और उसके माथे पे वो पसीना।